हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, है ना। तो हमने सोर्स ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं जो फैक्ट 5। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। ये ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं लोग? हिमालयन माउंटेन्स से, हिमालय के पहाड़ों से। स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड वाटर फ्लोज डाउन हिज स्ट्रीम्स। जो बर्फ़ होता है ना माउंटेन्स का, पहाड़ों का, वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, एंड वाटर फ्लोज, और पानी बह जाता है स्ट्रीम्स की शक्ल में, जैसे चश्मों की शक्ल में। मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फॉर्म ए रिवर, और बहुत सारे चश्मे बन मिल के एक रिवर बनती है, ठीक है। आई बात समझ में? हिमालयन माउंटेन्स में क्या होता है, स्नो होता है, पूरे स्नो से कवर होती हैं, और वो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाता है ना, मेल्ट होता है, तो वो पानी की शक्ल में नीचे स्ट्रीम्स बन के नीचे आ जाता है, और बहुत सारे स्ट्रीम्स से जो है रिवर बनती है, दरिया बनती है, ठीक है। आई बात समझ में? देन आपका है जो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। रेन वाटर गेट्स फिल्ड अप इन रिवर लेक्स एंड रिवर्स। जो बारिश का पानी है वो कहाँ भर जाता है? लेक्स में, है ना, झील में, दरियाओं में, ठीक है। जो दिस वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड सेंट टू आवर होम्स। उस पानी को साफ़ किया जाता है और हमारे घरों में भेजा जाता है थ्रू पाइप्स। किन के थ्रू हमारे घरों में भेजा जाता है? पाइप्स के थ्रू, है ना। वी गेट दिस वाटर थ्रू टेप्स इन आवर होम। और नलकों के थ्रू ये पानी हमारे घरों तक पहुँच जाता है। आई बात समझ में? वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा जो है साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है। जो वी मस्ट आइदर बॉयल एंड वाटर और फिल्टर इट बिफोर ड्रिंकिंग। हमें जो है पानी को भी उबाल कर या उसे फिल्टर करके पीना चाहिए। बॉयल कहते हैं उबालने को, ठीक है। जो फिल्टर करके या बॉयल करके पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर कीप्स अस हेल्दी। हम अगर किसी तादाद में पानी पीते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। हमारी सेहत जो है हेल्दी रहती है, ठीक है। रिमेंबर टू कीप द